गंदे पानी के निकासी के लिए प्रत्येक गांव में पक्की नाली बनवाने का प्रावधान है, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि बहराइच जिले के ब्लॉक पखरपुर के ग्राम पंचायत सिपहिया उलाज गांव में आज तक नाली न होने से विद्याराम सहित 500 परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है कि नल के सामने गड्ढा है, उस नल के सामने गड्ढा पानी निकाल नहीं है, कीड़े उसमें पड़े हुए हैं और बाल्टी से उलचना पड़ता है। नाली नहीं बनवाई गई इसीलिए समस्या हो रही है। हमारे यहाँ प्रधान खिलाफ है तो इधर तो बिल्कुल नहीं सुनी, और जहाँ जहाँ सोचता कोई कोई के बनवाए रही से। तो नाली ना होने से कितने लोगों को समस्या हो रही है? लगभग 500 परिवार। तो नाली बनवाने के लिए कोई प्रयास किए? कोई नहीं, हम सब बहुत कोशिश करें लेकिन जब खिलाफ है आदमी तो कहाँ प्रयास। आपकी क्या समस्या है? अरे नलके से गड्ढा खुदा है, पानी ऊंचा जाता है और दूसरे के जाते न जाए दे तो फिर उठे है तकलीफ है, तो पानी जात है मतलब कौन में झगड़ा लड़ाई हुआ था तो अपन बंद कर देते तो उल्टा है पर। तो क्यों गड्ढा खोदे हैं नल के सामने आप? अब प्रधान हमारे इधर के भैया खिलाफ है रहे हैं तो नाली सोखता आए तो जरूर मुला जौन है अपन अपन सब बनाए जी, और हमारे सबके इधर आए देख मुला बनवाए नहीं। तो नाली ना होने से कितने लोग परेशान हैं? सब लोग परेशान है, पानी नहीं निकलता तो मैं कीड़ा हो जाते हैं और बीच गांव में घर है कोनी और नाली निकल। नाली बन जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, गढ़ी पानी चला जाए, बीच गांव गढ़ी है वह पानी गिरा दी जाए। आप क्या चाहते हैं? नाली बन जाए तो बढ़िया है, सुविधा हो जाए हमका सबका पानी ढल का हो। मैं और मेरा समुदाय चाहता है इन सभी परिवारों के यहाँ पक्की नाली बनवाई जाए ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग पखरपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 9454648413 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडियन हार्ट के लिए।